बागली थाना क्षेत्र के ग्राम गुराड़िया कला में शनिवार की सुबह एक कंकाल मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस चौकी चापड़ा प्रभारी उपेंद्र नहार मौके पर पहुंचे। कंकाल की पहचान महेश पिता बरजोर कौर को ठाकुर निवासी लक्ष्मीनगर गुराड़िया कला के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति 22 अक्टूबर से घर से काम पर जाने का बोलकर गया था। 8 दिन बाद गांव के समीप ही नदी किनारे उसका कंकाल मिला। जानवरों द्वारा व्यक्ति के शव को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था, सिर्फ कंकाल ही बचा था। वहीं पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उक्त व्यक्ति मछलियां पकड़ने का शौकीन था और उसी के दौरान हादसे का शिकार हुआ होगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की बात पुलिस कर रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। गुराड़े कला से आज सुबह करीब 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंकाल सेवनिया नाला के पास किनारे पे पड़ा हुआ है। कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर पहुँचे थे। मौके पर कंकाल के परिजन बने सिंह उपस्थित मिले थे, जिन्होंने कंकाल के कपड़े देखकर जानकारी दी कि यह मेरा भाई है और मृतक का नाम महेश, पिता बरजोर सिंह, जाति कोरकू होना बताया, निवासी लक्ष्मीनगर गुराड़िया कला का होना प्राप्त हुआ है। फिर हमने उस कंकाल का मौके पर नक्शा पंचायतनामा कार्रवाई की है। नक्शा पंचायतनामा कार्रवाई पश्चात बागली में लेकर आए, बाद उसको इंदौर रेफर किया है। और घटना के संबंध में जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मृतक था महेश वो शराब पीने का आदि था और मछली व केकड़ा पकड़ने का आदि था। चूँकि यह बॉडी अभी नाले के पास मिली है, जो कि बहता हुआ पानी था, वहाँ पर उसके भाई ने संदेह बताया कि यह मछली पकड़ने केकड़े पकड़ने आया होगा और फिसल कर इसको चोट लगकर जानवरों द्वारा खाकर इसका मांस उधेड़ दिया गया है, इसलिए कंकाल उसका मिला है। अभी तक की सूचना ही प्राप्त हुई, आगे जांच जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।